उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रसिद्ध गोघाल मेला हरिद्वार के उपनगर ज्वालापुर में श्रीधरा पंचायती द्वारा पूरी धूमधाम से मनाया गया। मेले में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान गोगा पीर के दर्शन कर पूजा अर्चना की और पवित्र छड़ी पर अपनी मन्नत की डोर बांधी। हरिद्वार के प्रसिद्ध गोघाला मेला आज हरिद्वार के उपनगर ज्वाला में श्री घड़ा पंचायत द्वारा पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। मेले में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान गोगा पीर के दर्शन कर पूजा अर्चना की, पवित्र छड़ी पर अपनी मन्नत की डोरी बांधी। आपको बता दें कि ये मेला पिछले लगभग 150 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। मेला प्रबंधक कमेटी श्री पंचायत धड़ा ज्वालापुरा की ओर से हर बार मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं का पूरे जोर शोर के साथ स्वागत और अभिवादन किया गया। लगभग 150 वर्षों से यहाँ पर प्रतिवर्ष लगता चला भाद्रपद शुद्ध पक्ष त्रयोदशी को आज के दिन ही यह मुख्य मेला होता है। कहते हैं 3 दिवसीय मेला यहाँ पर भरता है ये, और यहाँ पर सभी श्रद्धालु आते हैं, मन्नत मांगते हैं और यहाँ पर बाबा जी को निशान चढ़ाते हैं गोगा महाराज को। और हमने इस वर्ष जो है COVID-19 के चलते सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार ही हम इस मेले का आयोजन कर रहे हैं और बिल्कुल सांकेतिक रूप से प्रतीकात्मक रूप से ही इस मेले का आयोजन किया गया है। इस संस्था के जो स्वयंसेवक हैं बराबर इस कार्य में लगे हुए हैं और सभी को मास्क, जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क पहना रहे हैं और पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा के ही हम गोगा माड़ी पर मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु को ले जा रहे हैं और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। और निरंतर हम ये हमारा प्रयास यह है कि गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई SOP के साथ ही हम कार्य करेंगे ताकि किसी को भी ये महामारी जो है फैली हुई है ये बिल्कुल खत्म हो। यहाँ पर कल भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वैक्सीनेशन का बृहद स्तर पर यहाँ पर कार्य किया गया और 180 लोगों पर यहाँ पर वैक्सीन मिल गई ताकि मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को वो वैक्सीनेट हो जाए, ये हमारा प्रयास रहा।